This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Syed Ali Chabutra near Shah Ghaz Hotel. A18 खबरनामे में आप सभी का इस्तकबाल है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफे का रुझान बरकरार है, जबकि 467 नए इन्फेक्शन और अमवात की तला मौसूल हुई है, जबकि टोल में इजाफा हुआ है। कल की सुबह 8 बजे को इख्तिताम पज़ीर 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में 56,211 नए कोरोना के वाकयात रिकॉर्ड किए गए। 271 नए अमलात के साथ महाराष्ट्र में पीर को 31,443 वाकयात रिपोर्ट हुए। हैदराबाद सिटी पुलिस ने 3 बदनाम जमाना मुजरिमीन को गिरफ्तार किया, जो हुकूमती अहदेदारों की हैसियत से नकल किया करते थे, जैसा कि वजीर आला ऑफिस में काम करना और 2 BHK फ्लैट, गवर्नमेंट स्कीम और सोने की कीमतों पर बहुत से लोगों को धोखा दिया, जिसमें वो एतमाद पैदा करने के लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड और फॉर्चूनियर कार में फिरते थे। हैदराबाद IPS अंजनी कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इन लोगों ने 3 करोड़ तक लोगों को धोखा दिया। मशहूर हैदराबादी रैपर रूहान अरशद ने नामालूम शख्स के खिलाफ साइबराबाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। नाबुना तौर पर इसको बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो अपलोड की गई। बीजेपी उम्मीदवार रवि नायक ने नागार्जुन सागर असेंबली से जमीनी इंतखाबात के लिए अपना नामजद दाखिल किया। TRS उम्मीदवार नौमुला भगत ने नागार्जुन सागर असेंबली जमीनी इंतखाबात के लिए अपना नामजद दाखिल किया। के जाना रेड्डी ने नागार्जुन सागर असेंबली जमीनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर नामजद दाखिल किया। मंगल के दिन तेलंगाना हुकूमत के जानिब से मेडिकल बुलेटिन से जाहिर हुआ है कि हैदरगुड़ा में अपोलो और ग्लोबल अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए 0 बेड दस्तियाब है। इन अस्पताल में तमाम बिस्तर जो कोरोना के मरीजों के लिए मखसूस थे भर गए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से नॉर्थ जोन टास्क फोर्स और SR नगर पुलिस स्टेशन मिलकर एक नोटोरियस गैंग जिसके लीडर सुधाकर और उसके साथ 2 ऑफेंडर संगोजू नागराजू और बट्टाला भीमैया, ये लोग की गिरफ्तारी हुई। ये लोग इम्पर्सोनेट करके, पब्लिक को चीटिंग करके, अपने आप को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बताकर, CM ऑफिस में काम करते हैं ये बताकर बहुत लोगों को चीट किए, जिसमें कि अपने आप को एक फॉर्च्यूनर कार में 2 सिक्योरिटी गार्ड के तक के साथ जाकर, एक पिस्टल जो कि बाद में पता चला नकली पिस्टल है दिखाकर, लोगों को डबल बेडरूम हाउसिंग के स्कीम के नाम पर, गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट के नाम पर, पुलिस जॉब दिलाने के नाम पर, गोल्ड एट चीप रेट दिलाने के नाम पर लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए का चीटिंग किए अभी तक। इसमें जो लीडर है, गैंग लीडर ए सुधाकर, ये ओरिजिनली पेद्दापल्ली का रहने वाला है जो कि इस गैंग का लीडर है। नागराजू ये वारंगल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और भीमैया ये मंचिरियाल का रहने वाला है। अभी तक जो मटेरियल सीज हुआ उसमें नेट कैश 1 करोड़ से ज़्यादा, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट ये भी लगभग 1 करोड़ के रुपए का, एक कार फॉर्च्यूनर नंबर 2232, सेलफोन्स 14, टॉय पिस्टल, सफारी ड्रेस, फेक ID कार्ड जिसमें OSD to CM का भी आई कार्ड, ये लोग फेक आई कार्ड बना कर रखे, और इसके अलावा सेक्रेटेरिएट एंट्री का कार्ड भी अपने पास रखे हैं। इन लोगों के ऊपर जो केसेस है उसमें महाकाली पुलिस स्टेशन, SR नगर, रामगोपाल पेट, पंजागुट्टा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, KPHP साइबराबाद और राजकोंडा मडिपल्ली पुलिस स्टेशन, ये पूरे ऑपरेशन में हमारे OSD टास्क फोर्स श्री P राधा किशन राव और उनके लीडरशिप में इंस्पेक्टर ऑफिसर K नागेश्वर राव, टास्क फोर्स सब इंस्पेक्टर ऑफिसर K श्रीकांत, G राजशेखर रेड्डी, B परमेश्वर,
और टास्क फोर्स की पूरी टीम मिलकर ये बहुत अच्छा काम किए और हमारे तरफ से उनको हार्टी कांग्रेचुलेशंस। आज